क्या नाम है? साधना। क्या कहना चाह रही है? हम ये चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ मोदी आना चाहिए। ऐसा ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है। क्यों क्यों? हमारा देश बचाएगा तो मोदी बचाएगा। क्यों? इसका कारण है कि इसको पाकिस्तान बना दिया जवाहरलाल खानदान ने हमारे हिंदुस्तान को गुमराह करा हमारे हिंदुस्तान को। मोदी ने क्या दिया? मोदी ने क्या दिया? बहुत कुछ करा। जितना चोर पकड़ा हिंदुस्तान का, जितना चोर पकड़ा जवाहरलाल खानदान का, जितना चोर, एक नंबरी, दस नंबरी, सौ नंबरी, सारा मोदी ने पकड़ा, सारा मोदी ने पकड़ा। जितना केजरीवाल का, मैं ये पूछना चाहता हूँ जो सारे विपक्षी दल इकट्ठा क्यों हुए हैं मोदी के डर से, जो काला धन सबकी फटी पड़ी हुई है। आलू का फैक्ट्री लगाऊंगा, उसके बाद फैक्ट्री लगाएगा और पप्पू आलू के फैक्ट्री दोनों में लगाएगा। मैंने मैनिफेस्टो पढ़ा है। किसका मैनिफेस्टो? दोनों का पढ़ा है। किसका अच्छा लगा? मुझे बीजेपी का अच्छा लगा। बीजेपी पहली लाइन लिखी हुई है, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म। ये कहाँ लिखता है? ये कांग्रेस क्यों नहीं लिखता है? 370 पे बात क्यों नहीं करता कांग्रेस? उसने कहा मुझे कुछ नहीं। कांग्रेस का कहना है कि अगर मैं आता हूँ सत्ता में, आराम से बोलिए, आराम से, आपको टाइम देंगे, आराम से। अगर मैं सत्ता में आता हूँ तो मैं जम्मू कश्मीर वालों को कुछ नहीं, मतलब जैसा वैसे। उनका कहना है कि अगर मैं जो सत्ता में आता हूँ जम्मू कश्मीर, जो हमारी जो आर्मी है उनको हटा दिया जाएगा। हटा देंगे तो आतंकवाद बढ़ेगा। और सिर्फ पुलिस देख रहा करेगी? पुलिस क्यों देख रहा करेगी भाई? हमारा देश का, हमारा आर्मी क्यों नहीं देख रहा करेगा? तो वहाँ पे कांग्रेस का कुछ नहीं करना है। कांग्रेस तो उस पार्टी के साथ खड़ी है जो कह रहा है देश में दो दो प्रधानमंत्री चाहिए। वही बात, वही तो बोल रहे हैं। आप पूछते हैं, आपका कहना न्याय मिलेगा? अरे 70 साल से कौन सा न्याय मिल गया? कौन सा न्याय मिल गया? न्याय तो मिलना चाहिए। एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, जब ये लोग बोलते हैं कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, हमारा अभिन्न अंग है, सब मानते हैं ना कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, तो हम जब कोई कश्मीरी यहाँ आता है तो हम उसके पासपोर्ट में इंडियन क्यों नहीं लिखते, कश्मीरी क्यों लिखता हूँ? मैं फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, ठीक है, फोर्थ ईयर में हूँ। फर्स्ट ईयर में फ्लड आया था, फर्स्ट ईयर में जमदन जमदा, मेरे क्लास से बच्चे आए थे, हमारे क्लास से 2000 रुपये आया, हमारे सेक्शन से 20 बच्चे, तुम 2000 रुपये दिए थे आज। और उन्होंने जब पुलवामा अटैक किया कश्मीरी ने किया, तो हम नहीं पूछे उससे कि क्यों भाई हमने 2000 दबा तुमने किया क्या? वो तुम्हारे भी भाई थे जो मरे, हमारे भाई थे तुम्हारे थे, तो हम पूछे नहीं। अगली बार आए वो कहते मुझे फ्लड आया, घंटा लो मेरा, तुम जो हम तो पैसे दे और तुम्हारे देश को मारोगे, क्यों भी दूंगा? अगर पैसे 1 रुपये भी नहीं दूंगा, उसने मैंने 100 रुपये दिया था, इसने 200 रुपये दिया था, हम लोग सब साथ में थे कश्मीरी वालों को, आज हमें वो मारेंगे, क्या बात है? सही कह रहे हैं सर, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं।